मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। बच्चों आप सभी कैसे हैं? घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। पिछले क्लास में हमने निजवाचक सर्वनामा, निश्चयवाचक सर्वनामा और अनिश्चयवाचक सर्वनामा, इनके बारे में आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी। आज हमने आगे बढ़ेंगे। अभी पांचवा कौन सा है? पांचवा अभी प्रश्नवाचक सर्वनामा, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनामा, इन दोनों के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी देती हूँ। बच्चों अभी प्रश्नवाचक सर्वनामा, इसके बारे में आप लोगों को अभी मैं जानकारी देती हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनामा, प्रश्नवाचक इधर नाम ही बता रहा है आप लोगों को। प्रश्नवाचक शब्द इधर आप लोगों को प्राप्त होता है। पहले वाक्य में देख लीजिए, तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। और दूसरे वाक्य में, मेरे साथ कौन चलेगा, मेरे साथ कौन चलेगा। ऊपर के वाक्यों में क्या, कौन, ये शब्द सर्वनाम है। ऊपर के दोनों वाक्य में क्या और कौन, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इन सर्वनामों का बोले तो क्या और कौन, ये दोनों सर्वनाम है ना, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हुआ है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम, व्यक्ति के नाम यानी संज्ञा के स्थान पर आया है। क्या है, संज्ञा के स्थान पर क्या आया है, प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति के नाम, संज्ञा व्यक्ति के नाम बोले तो उनका मतलब क्या है, संज्ञा के स्थान पर आया है। इसलिए प्रश्नार्थक सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है। इसलिए क्या होता है, प्रश्नार्थक सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम अथवा क्या है, प्रश्नार्थक सर्वनाम हम कहते हैं। प्रश्नार्थक सर्वनामों के शब्द है कौन, कहां, क्यों, किसमें आदि, ये सभी क्या है, प्रश्नार्थक सर्वनामों के शब्द है। बच्चों आप अभी प्रश्नार्थक सर्वनाम, इसके बारे में आप लोगों को पता चलाना, प्रश्नार्थक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को जानकारी प्राप्त की हूँ। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे चौथा लास्ट वन क्या है, कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इधर संबंध यानी एक दूसरे का संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी संबंधवाचक सर्वनाम में अभी मैंने दो वाक्य लिखी हूँ। पहला वाक्य है, अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी। ये दोनों, अब जो मेहनत करेगा आगे का क्या क्या है, उसकी पूजा होगी, ये दोनों क्या है, संबंध वाचक है। जो मेहनत करेगा उसको क्या मिलता है, पूजा होगी। ऐसे एक दूसरे का संबंध बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। और दूसरे वाक्य में क्या है, जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। इधर भी क्या है, संबंध बताने वाले शब्द जो और वह है। ऊपर के वाक्यों में जो उसकी, पहले वाक्य में क्या है, जो और उसकी है, और जो और वह है। दूसरे वाक्य में जो और वह है, एक ये दोनों क्या है, जो उसकी, जो दूसरे वाक्य में जो वह, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है।
क्या है, सर्वनाम है। प्रत्येक वाक्य में ऐसे दो दो सर्वनामों की जोड़ी है। देखो प्रत्येक वाक्य है क्या है, अब जो मेहनत करेगा उसकी पूजा होगी, ये एक सेंटेंस है। ये प्रत्येक वाक्य में क्या है, जो दो दो क्या आया है, सर्वनाम की जोड़ी है। दो दो सर्वनाम की जोड़ी बोले तो पहले वाक्य में जो और उसकी दोनों सर्वनाम की जोड़ी है, दूसरे वाक्य में जो और वह, ये दोनों जोड़ी का जोड़ी क्या है, सर्वनाम है। इसलिए प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक प्रत्येक जोड़ी के सर्वनामों द्वारा एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है। अभी इसलिए क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है, वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो त्यों, जैसे तैसे, जहां तहां, एक एक वाक्य में आप लोगों को दो दो जोड़ियां मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आज क्या हुआ है, पूरा सर्वनाम, सर्वनामों के भेद, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। आप सभी को क्या है, समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग और एक बार ध्यान से बैठकर सुनना चाहिए तो आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है बच्चों, बच्चों आज हम सीखेंगे गिनतियां हिंदी में। आइए जाने संख्या यानी कि नंबर्स का हिंदी में उच्चारण। जीरो, जीरो इसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य। बच्चों जीरो को हम हिंदी में शून्य कहते हैं। अभी एक से पचास तक अभी मैंने पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, बाद में व्याकरण बुक में एक से पचास तक आप लोग व्याकरण बुक में लिखना चाहिए। अभी मैं शुरू करूंगी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनतालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, तैंतालीस, चवालीस, पैंतालीस, छियालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास। बच्चों बच्चों एक से पचास तक हो गया है, तुम लोग यही गिनतियां व्याकरण बुक में लिखना चाहिए। बाद में मैं व्हाट्सएप थ्रू ये नंबर्स को आपको मैं व्हाट्सएप में भेजती हूँ। सभी लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर को आप लोग एक से पचास तक सीखना चाहिए, बोलने को भी आना चाहिए और लिखने को भी आप लोगों को आना चाहिए। संख्या में भी लिखिए और अक्षर में भी लिखना चाहिए। आज का क्लास हम इधर ही खत्म करेंगे। बच्चों धन्यवाद।